हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे 100% नेचुरल यानी कि हर्बल प्रोडक्ट के बारे में जो मार्केट के अंदर जाना जाता है दिव्य अभ्रक भस्म के नाम से। हम बात करेंगे कि जो दिव्य अभ्रक भस्म है जिसे पतंजलि द्वारा निर्मित किया गया है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है यानी कि किन चीजों से मिलकर के बनाया गया है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और सबसे प्रमुख बात इसे इस्तेमाल करते वक्त किन किन चीजों पर ध्यान दें, सावधानी क्या बरतें यानी कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके कॉम्पोजिशन से। तो इसके अंदर अभ्रक भस्म होता है जो कि आपकी पाचन क्रिया को और पेट को आराम देने में मदद करेगा, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको ठीक करने में मदद करता है, नसें जो होते हैं ब्लॉक हो जाती हैं उनको आराम दिलाता है, नसों में ऐठनपन होती है उनसे हमें जो है ठीक करने में मदद करता है, पेट में जब गैस बन जाती है, सीने में जलन होने लगती है, इन सभी को उपचार करने के लिए, इन सभी को ठीक करने के लिए अभ्रक भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। जब एपिलेप्सी हो जाती है यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं तो उसके उपचार में, उसके ट्रीटमेंट में आप इसे यूज कर सकते हैं। किसी की याददाश्त कमजोर होने लगे, मेमोरी का लॉस होने लगे तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसे यूज किया जाता है। साथ ही साथ पार्किंसंस डिजीज जब हो जाती है किसी एक इंसान को, उसके ट्रीटमेंट में भी, उसके मैनेजमेंट में भी इस ड्रग का यूज किया जाता है। अब बात आती है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो एक छोटी चम्मच दिन में 2 बार हमें ये भस्म लेना होता है जो कि है अभ्रक भस्म। शहद के साथ हमें इसे लेना होता है, पानी के साथ नहीं लेना, दूध के साथ नहीं लेना, हनी यानी कि शहद के साथ, या फिर आपका डॉक्टर चेक करने के बाद, मेडिकल चेकअप करने के बाद आपको डोज बताएगा, ड्यूरेशन बताएगा, उसके अनुसार आप इसको लें। अब बात आ जाती है कि सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले इसका लेबल अच्छे से पढ़ लें, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, सनलाइट से कभी एक्सपोज ना करें, जो डोज आपको डॉक्टर बताएगा उससे ज्यादा डोज नहीं लेनी है, और साथ ही साथ छोटे बच्चों की पहुंच से आपको इसे दूर रखना है, उनकी नजर से दूर रखना है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना दिव्य अभ्रक भस्म के बारे में। इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। आप मेडिसिन से रिलेटेड हर एक कंप्लीट ए टू जेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे दवा हो या रोग हो। कहां पे? फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, उसमें मेडिसिन डिक्शनरी के नाम से सर्च कीजिएगा, वहां पे कंप्लीट ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।